देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि किटीन, तो किटीन का स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास, वो स्ट्रक्चर हमारे पास रहा होता है CH2C double bond O। सबसे पहली बात, जो किटीन है यह एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, किटीन है यह एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड की जो रिएक्शंस होती हैं, जो सिग्नेचर वाली रिएक्शंस रहती हैं, वो एडिशन रिएक्शन रही होती हैं। और अगर मैं आपको बोलूं ये कैसे एडिशन दिखाएगा, तो ये पॉजिटिव सेंटर है, तो जिसकी वजह से यह ऑलवेज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है, यह ऑलवेज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है। यह आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से पती होनी चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, एग्जांपल कॉन्सेप्ट सिखाऊं, तो CH2C double bond O, और यहां पर मैं H2O लेके आ रहा हूं। अब होता क्या है, इस H2O से OH- एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा, वह इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। फिर ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगी, तो क्या हो जाएगा, CH2COH double single bond O minus। क्या आप समझ पा रहे हो? अब अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, यह जो O minus है दोबारा रेजोनेंस में इस तरीके से जाएगा, हमारे पास यहां पर यह बॉन्ड यहां थी और यह बॉन्ड यहां शिफ्ट होगी। जब ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, यहां पर जो भी हुआ है, क्या हुआ है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए हैं, CH2 minus C double bond O और OH। अगले ही स्टेप में जो ये H plus इसके पास बचा हुआ है, वह यहाँ पे इसको खा लेगा, और हमारे पास जो फॉर्मेशन हो रहा होगा, क्या आप देख पा रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ, एक एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, सारी रिएक्शंस हो जाएंगी, सारी रिएक्शंस को आप घर बैठ के इस तरीके से ट्राई करिएगा। तो मैं एक हल्का सा फ्लो चार्ट बता देता हूँ, एक हल्का सा फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से, एकदम अच्छे से आना चाहिए। तो फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर आपके सामने CH2C double bond O रहा हो, और आपके सामने ये है कुछ रिएजेंट रहे हो, H2O हो गया, ROH हो गया, या फिर NH2H हो गया, या फिर NH, या फिर RNH2 हो गया, या फिर आपके सामने हो गया CH3COOOCH3 हो गया, मतलब CH3COOH हो गया, इस तरीके से अगर ये आपके पास सारे रिएजेंट रहे होंगे, तो आप करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर सिर्फ सबके H भगा देने हैं, सबसे H हटाने हैं, और जैसे ही आप H हटा पा रहे होंगे, इस जगह पे, इस वाले पार्ट पे आपको लगाना है नेगेटिव वाला पार्ट, आपको लगाना है नेगेटिव वाला पार्ट, और इस वाले पार्ट पे आपको लगाना है पॉजिटिव वाला पार्ट ऑफ दैट रिएजेंट। ये शॉर्ट ट्रिक आप डेवलप कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं एक करके दिखाता हूँ, बाकी आप सब कर लेना, CH2H और यहाँ पर C double bond O OH। क्या आप समझ पा रहे हो? इस वाले कार्बन पे हमने क्या किया, इस वाले कार्बन पे हमने नेगेटिव पार्ट लगाया, और इस वाले कार्बन पे हमने पॉजिटिव पार्ट लगाया। इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, एकदम आसानी से, एकदम बढ़िया तरीके से, इसी तरीके से सारा कॉन्सेप्ट होता है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर तो मतलब कुछ बड़ी बात होती ही नहीं है इस दुनिया में, फिर सारी ही चीजें एकदम अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से आने लगती हैं। जितनी स्पीड में मैं कर पा रहा हूँ, उतनी स्पीड में आप भी कर पा रहे होंगे, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किया है, बहुत ही अच्छे से समझा है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमारे पास किटीन का रहा होता है। अब बात सिर्फ यही खत्म नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे क्वेश्चन करा दूं ताकि आपको फील आ सके। तो आइए अपने क्वेश्चन की एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास ये। तो वो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा रहा होगा, डबल बॉन्ड N2, और यहां पर मैं लेता हूं पहले हीट और थर्मोलिसिस, फिर थर्मोलिसिस या फिर फोटोलिसिस A हो गया, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो फॉर्मेशन होगा उसके साथ H2 के साथ फिर V करना है, आपको ये कंप्लीट द रिएक्शन करना है। देखिए सबसे पहले आप याद करिए, मैंने अभी तक आपको पूरा सिखाया क्या है, अगर आप याद कर पा रहे हो मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया है, तो सबसे पहले यहां पे इसको हटा के आप कार्बिन का फॉर्मेशन एकदम अच्छे से कर पा रहे हो, क्या आप कर पा रहे हो, और यह जो एक कार्बिन है, यह एक अल्फा कीटो कार्बिन है। मेरी आंखों से देखो, अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हो, मेरी नजरों से देखो, मेरे नजरों से कॉन्सेप्ट फील करो। तो होता क्या है, यहां पर वुल्फ रिअरेंजमेंट होगा, तो यह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वह इलेक्ट्रॉन्स कहां पे, ध्यान समझना, यह इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, वह ये यहां शिफ्ट होगा, यह इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। क्या समझ पा रहे हो, यह इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो आपके पास एक 5-membered रिंग नजर आ रही होगी, और आपको कुछ इस तरीके से C double bond O दिख रहा होगा, double bond C double bond O, क्योंकि जब आप इसको यहां लेके जाओगे, इसको यहां लेके जाओगे, मतलब और यहां पे डबल बॉन्ड, तो मतलब ये वाली बॉन्ड टूटेगी, ये वाली बॉन्ड टूटेगी,
तो हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कर रहे थे, तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बन में हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक, हमने क्या क्या सीख लेता है, इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। सीखना क्या है अब इस चीज को देखते हैं। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन से मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या बताइए जो अभी तक आपने सीखा इसको आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एच न्यू और यहाँ पर हमारे पास ये ए पार्ट है और फिर आपके पास आ गया है एच टू और ये बी पार्ट है। अगर आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पा रहे हैं इसका मतलब जो आपने अभी तक सीखा है, समझा है और जाना है एकदम सही तरीके से आपने इसको अप्लाई किया है। ठीक है, सबसे पहला अगर हमारे पास एच टू है तो ये कार्बन फॉर्मेशन की हमारे पास यहाँ पर हो रही होगी पक्का, और ये डबल बॉन्ड एन टू है तो यहाँ पर ये हमारे पास इस तरीके से ना लिख के आप कुछ इस तरीके से लिख लीजिए, और यहाँ पर हमारे पास क्या रहा होगा पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। अब करना क्या था, इसको इस नेगेटिव को यहाँ लेके जाइए, इसको यहाँ लेके जाइए, तो हमारे पास पक्का यहाँ पर कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा होगा कुछ इस तरीके से। क्या आप समझ पा रहे एकदम अच्छे से। अब यह जो कार्बन है ये कोई ऐसी वैसी कार्बन नहीं है, यह एक अल्फा कीटो कार्बन है, और आपको पता है अल्फा कीटो कार्बन क्या दिखाती है, वुल्फ रिजमेंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसी समय ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो आपके पास यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आ रहा होगा वन के वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, यह है आप स्टेप एकदम अच्छे से समझ पा रहे हैं क्या, यह हमारा ए पार्ट आ गया है। अब इसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे H2 लेके आएंगे तो यहाँ से H2 मतलब कि OH- वाला पार्ट यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो हमारे पास आंसर कुछ इस प्रकार आ जाएगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड OOH। क्या आप समझ पा रहे हैं, ये सारा मैकेनिज्म आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर दोबारा ओ माइनस यहाँ आएगा, ये नेगेटिव यहाँ जाएगा, ये अब आपको एरो प्रैक्टिस आनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं हर एक एरो को आपको सिखाऊं, हर एक कॉन्सेप्ट बार बार मैं आपको वही कॉन्सेप्ट दूं, आप एटलीस्ट अपने आप भी ट्राई करिए, एक बार अपने आप को भी सीखने का मौका दीजिए क्या आप ये कॉन्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन उठाना चाहता हूं। मान लीजिए वो क्वेश्चन हमारे पास डबल बॉन्ड एन टू और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, और दोबारा से सबसे पहले स्टेप में हमारे पास क्या है एच न्यू, और अगले स्टेप में हमारे पास यहाँ पर क्या है आप मान लीजिए ROH है। अगर ये हमारे पास कंडीशन है तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, एच न्यू देखते ही कार्बन का फॉर्मेशन कर देना है। तो एक शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, जब भी आपका 6 मेंबर रिंग पे यहाँ पर डबल बॉन्ड एन टू करके आ जाता है तो आप सबसे पहले इसको क्या कर दीजिए कार्बन का फॉर्मेशन कर दीजिए। क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं यह बोल रहा हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक है जस्ट एकदम, आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आपको खुद अपने आप शॉर्ट ट्रिक डेवलप कर सकते हो। जैसा ही आपने किया अब यह कार्बन क्या है अल्फा कीटो कार्बन, क्योंकि इसके बगल में एक ग्रुप रहा होगा तो आप क्या कर दिए वुल्फ अरेंजमेंट कर दी, ये वाला बॉन्ड अगर यहां शिफ्ट हो रहा होगा तो यह वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल एकदम बात है। क्या आप समझ पा रहे हैं, ये सारे ही कॉन्सेप्ट को आप एकदम अच्छे से सीखते हो चलेगा। यह इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पर शिफ्ट हो रहेंगे इस तरीके से, इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो रहे होंगे तो आपका जो आंसर आ रहा होगा वो आंसर आपको कुछ इस तरीके से मिल पा रहा होगा, ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। क्या आप समझ पा रहे हो, इस तरीके से आपका उस क्वेश्चन आ रहा है डबल बॉन्ड O तो यहाँ बगल में ही जिसके जस्ट बगल में C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन भी आ जाएगा, मतलब कीटीन फॉर्म हो रहा होगा। और अगले स्टेप में क्या है ROH है तो ये RO- वाला पार्ट यहाँ पर अटैक करेगा तो इस तरीके से यहाँ पर O आ जाएगा और इस वाले कार्बन पे H आ जाएगा। याद करिए कीटीन का जो मैंने आपको फंक्शन बताया था, कॉन्सेप्ट सिखाया था, ये सारा ही कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आ रहा होगा C डबल बॉन्ड O OR। तो इस तरीके से आपके पास ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाना चाहता था। अब मैं क्या करता हूं आपको एकदम अच्छे से चीजों को समराइज करना सिखाता हूं कि किस तरीके से हमारे पास सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे होंगे। देखिए अगर मैं आपको अब चीजों को समराइज कराता हूं तो यहां पर आप देखना स्टार्ट करें कि किस तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। बहुत ही अच्छे से सीखते हुए चलेगा कि अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूं और कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूं तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या रहा होगा, इस चीज को आप सीखिए। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूं, मैंने आपको कुछ इस तरीके से बोला है, ये हमारे पास यहां पर इस तरीके से ये डबल बॉन्ड एन टू है, यहाँ पर डबल बॉन्ड एन टू है इस तरीके से, और आपके पास एक डिफरेंट डिफरेंट रिजेंट रहे होंगे। सबसे पहले एक पहली कंडीशन एच न्यू तो पक्का रही होगी, साथ साथ में अगर डिफरेंट हमारे पास एक बार एच टू ले लूँ मैं यहाँ पर, एक बार मैं आर ओ एच ले लूँ, एक बार मैं आर एन एच टू ले लूँ, या फिर एक बार मैं CH3 डबल बॉन्ड OOH ले लूं। अगर ये मैं डिफरेंट डिफरेंट रेंज लेता हूं, या फिर मैं एक बार यहां पर मन नहीं मान रहा मेरा NH3 ले लूं, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे तो इस चीज को मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आप सबसे पहले क्या करिएगा, कार्बन फॉर्म करिएगा यहां से, इस कार्बन का आप वुल्फ अरेंजमेंट कराएंगे तो जो वुल्फ अरेंजमेंट कराएंगे उस सबसे जो आपको आंसर मिल रहा होगा 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट करना है और यहां पर COOH लगाना है। क्या समझ पा रहे हो, बीच में कीटीन फॉर्म होगा और कीटीन फॉर्म होते ही वो COOH में फॉर्म हो जाएगा।
इसी तरीके से यहां पर दोबारा यहां क्या हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग, और यहां पर जाएगा COOR। मैं चाहता हूं आप इन सबके मैकेनिज्म अपने आप ट्राई करिए, अपने आप सीखिए। जितना आप बार बार करेंगे उतना आप ज्यादा सीख पा रहे होंगे, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट एक बार सीख जाओगे तो फिर तो बस उसको अप्लाई करना इतना ज्यादा हमारे पास हार्ड नहीं रहा होता है। सी डबल बॉन्ड ओ ओ, सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। और फिर अगर इस वाले की बात करता हूं तो ये हमारे पास रहा होगा सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ हल्का सा कॉन्सेप्ट आ रहा है कार्बीन में। तो अभी तक हमने इतने सारे मेथड की बात कर लिया, डायजोमेथेन से कर लिया, एसिड क्लोराइड से कर लिया। अब आइए हम फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फ्रॉम हमारे पास रहा होगा टोसाइल हाइड्रोजन, जो हमारे पास रहा होगा टोसाइल हाइड्रोजन, कि टोसाइल हाइड्रोजन से हमारे पास किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या रहा होगा, एक कार्बोनिल कंपाउंड रहा होगा मान लीजिए इस तरीके से, और इसके सामने मैं क्या लेता हूँ यहाँ पर, इस चीज को हम लोग बोल रहे होते हैं टोसाइल हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, एनी बेस हमने ले लिया। अब यहाँ होता क्या है, सबसे पहले आप याद करिए, आपने जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्हेडिन क्रोन 12th क्लास में पढ़ी होगी तो आपने अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शंस पढ़ी होंगी बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। क्या आप कर पा रहे हो, यहाँ से H2 निकाल दीजिए। तो इस तरीके से हमारे पास जो यहाँ कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, वो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा होगा R C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर आ जाएगा NHTS। इतना फॉर्म कर पा रहे हो। जैसे ही आपने ये कॉन्सेप्ट फॉर्म कर लिया, वैसे ही अगले स्टेप में आपने जो बेस लिया है वो बेस यहाँ पे आएगा और इस H को भगा ले जाएगा, और आपका जो कॉन्सेप्ट आएगा वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, डबल बॉन्ड N इस तरीके से, और यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर TS। फिर ये नेगेटिव यहाँ चलेगा, ये यहाँ लेगा, तो इस तरीके से आपके पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा होगा R C R, और यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, यहां पर N डबल बॉन्ड N, और यहां पर TS। अब ये जो TS होता है, ये जो टोसाइल होता है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान रहा होता है, S डबल बॉन्ड O SO2, और नीचे पैरा पे Me लगा होता है, इसको मैं बताऊंगा एक अगले एग्जांपल में। तो TS एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपके पास एक और जो स्ट्रक्चर मिलके आ रहा होगा R C नेगेटिव R, और यहां पर N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। अब तो बहुत ही आसान है आपको कार्बिन फॉर्म करना, ये जो जितना भी मैंने मैकेनिज्म सिखा रहा हूं, ये सारा मैकेनिज्म अपनी कॉपी पे बार बार लिखिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको सीखने को मिल पा रहा होगा। अब यहां से ये N2 एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास इस तरीके से इस कार्बिन का फॉर्मेशन हो पा रहा होगा। क्या आप समझ पा रहे हो, बहुत अच्छे समझ पा रहे हो। अगर मैं आपसे फिफ्थ के बाद सिक्स पार्ट की बात करता हूं, कि सिक्स कार्बिन की बात करता हूं, तो ये कुछ मिसलिनियस हमारे पास पॉइंट्स हैं जहां से आराम से हमारे पास कार्बिन फॉर्मेशन हो सकता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिए अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ, तो यहाँ पर भी हमारे पास बहुत ही आसान पार्ट रहा होता है, और आप क्या कर दिए, एच न्यू का इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पर होता क्या है, इस वाले पार्ट में यहाँ पर इस तरीके से होमोलिसिस हो रहा होगा, तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिसिटी मिल रही है। क्या समझ पा रहे हो, ये जो चीज हो रही है ये किस लिए हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिसिटी गेन हो रही है इस वाले डबल बॉन्ड के से, और प्लस आपके पास यहाँ पर CH2 आ रहा होगा इस चीज की वजह से, जो आप यह चीज देख रहे हो। क्या आप समझ पा रहे हो वाला एग्जांपल, बहुत ही अच्छे समझ पा रहे हो एग्जांपल। इस तरीके से आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से समझ में आना चाहिए। जितना अच्छे से आप समझ सकते हो उतने अच्छे से आप समझिए, इतना सारा आप उतार लीजिए। अब अगले कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, इसी के दो पॉइंट्स और रहे होंगे मिसलिनियस वाले। देखिए अगले कॉन्सेप्ट की अगर बात करूं मैं, सेवंथ पॉइंट की अगर आपसे बात करता हूं, तो सेवंथ पॉइंट हमारे पास क्या रहता है, इस चीज को आप देखने की कोशिश करिए। देखिए सेवंथ वाला पॉइंट हमारे पास वो भी आसान रहा होता है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये पीएच रहा होता है, और ये पीएच रहा होता है, और यहाँ पर आप लोग क्या कर लीजिए, एच न्यू ले लीजिए। अब यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पर भी होमोलिसिस हो रहा होता है, होमोलिसिस हो रहा होता है एच न्यू की प्रेजेंस में। क्या आपको याद है कि जब मैंने थ्योरेटिकल पढ़ाया था तो सारा कॉन्सेप्ट आपको पता ही है किस तरीके से फॉर्म हो रहा होता है, और यहाँ पर जो हमें आंसर मिल रहा होगा इस तरीके से डबल बॉन्ड पीएच के साथ आ जाएगी, प्लस हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये वाले पार्ट की कार्बिन फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या आप समझ पा रहे हो, सारा कॉन्सेप्ट एकदम आपस में इंटरलिंक्ड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एट पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, एक डरावना से स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं, बस सिर्फ डराने के लिए है और कुछ करने के लिए नहीं है। अगर ये ऐसे लूं और मैं यहां पर आपके सामने H न्यू लेता हूं, अब आपसे बात करता हूं कार्बिन के फॉर्मेशन की, तो आप कोशिश करिए। देखिए होता क्या है, यहां पर भी होमोलिसिस होता है इस तरीके से, यहां पर भी होता है होमोलिसिस इस तरीके से। अब होता क्या है, हम लोग स्टेबल चीज बना जाते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो इस वाले से तो हमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होगा CH2 इस तरीके से। ये तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, ये तो हमारे पास कार्बिन का फॉर्मेशन हो गया। सॉरी गलती होगी मेरे से अगर बीच में कुछ गलत बोल दूं, अगर कभी कभी वीडियोस में कुछ गलत कर दूं, तो आप समझना कि बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क चल रहा है, बहुत ही लगातार वीडियो बन जा रही है, जिसकी वजह से दिमाग में कुछ और मुंह पे कुछ और। समझ पा
रहे हो क्या? इस तरीके से आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए। कार्बन फ्री रेडिकल में थोड़ी सी गलती हो गई थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्योंकि मुझे क्या लगा जब पढ़ाता हूं तो कभी कभी कोई चीज, इतनी छोटी चीजें भी ना कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि अगर हम भी इंसान है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो आप उन गलतियों को अपनी कॉपी पे जरूर सही करिएगा। आप जब मुझे देखते हो तो अपना पूरा दिमाग खोल के अच्छे से मुझे ही कंसंट्रेट कीजिए कॉपी पेन लेके। अगर कुछ गलतियां हो तो उन गलतियों को आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं उसको पिंड कर सकूं, ताकि कोई और नया बच्चा देखे तो सबसे पहले वो उसको गलतियां समझ में आ सके। क्या समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से हमारे पास कार्बिन हो गया। लेकिन अब होता क्या है, इस डबल बॉन्ड को अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन करके तोड़ता हूं तो यह वाला जो इलेक्ट्रॉन वो इसके साथ डबल बॉन्ड बना देगा और वह इसके साथ डबल बॉन्ड बना देगा। दोबारा अच्छे से समझिए, यहां पर अगर मैं होमोलिटिक क्लीवेज करता हूं तो एक यहां पर, एक यहां पर, यह इलेक्ट्रॉन और यह वाला जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है यह मिलकर आपस में फ्री रेडिकल जो है वो डबल बॉन्ड बना देगा और यह भी डबल बॉन्ड बना देगा और हमारे पास यहां पर बेंजीन रिंग बन के आ रही होगी। तो बेंजीन रिंग का बनना ही यहां पर हमारे पास कार्बिन का फॉर्मेशन दे रहा होता है। ये सारी बातें हमने की हैं अभी तक, लेकिन एक आखिरी बात और सीखेंगे हम लोग, टोसाइल अजाइड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम टोसाइल अजाइड से हम लोग कैसे कार्बिन का फॉर्मेशन कर रहे होंगे और किस तरीके से कर पा रहे होते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे टोसाइल अजाइड का कार्बिन का फॉर्मेशन बताऊं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास रहा होता है। तो हमारा जो लास्ट प्रिपरेशन है कौन सा नंबर है, 5th, 6th, 7th, अराउंड 8th प्रिपरेशन वाला रहा होगा फ्रॉम टोसाइल एजाइड। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसको एकदम अच्छे से हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टोसाइल एजाइड। किस तरीके से टोसाइल एजाइड से हम लोग बना रहे होंगे तो बहुत सारी चीज जाननी की, टोसाइल एजाइड होता क्या है, हमारे पास सब्सट्रेट क्या क्या रहा होगा, तो आइए सीखना स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले हमारे पास एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड ले लीजिए। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड मैंने आपको थोड़ा सा बताया था और यहां पर हमारे पास रिजेंट रहा होगा TSN3 और इन प्रेजेंस ऑफ ET3N ये यहां पर बेस का काम करता है और ये हमारे पास क्या होता है, टोसाइल एजाइड। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर पा रहा होगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर रहा होता है और यहाँ पर हमारे पास रहा होगा ME। तो ये हमारे पास टोसाइल एजाइड का स्ट्रक्चर होता है। अब करना क्या है हमें, सबसे पहले होता क्या है, अगर मैं इसका आपको मैकेनिज्म सिखाऊं सीधा फिर हम लोग यहाँ पर कार्बन का फॉर्मेशन कर पा रहे होंगे। मैकेनिज्म में होता क्या है, सबसे पहले ये जो बेस है, यह जो आपके पास बेस है ET3N, यह बेस क्या करता है, यहां से ये वाला एसिडिक एच भगाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में यह जो एच होता है यह एसिडिक इन नेचर रहा होता है, ये बहुत ही अच्छे से आपको जानना चाहिए। एक तरह से आप एक और ग्रुप यहाँ पे लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो अगर आपने कर लिया तो इस वाले कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपने ये किया तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव पार्ट। अब ये जो नेगेटिव पार्ट यहां पर आया है, क्या आप समझ पा रहे हो, ये सारा ही कॉन्सेप्ट आपको समझते हो चलना है, डबल बॉन्ड O और यहां पर आ जाएगा OET और यहां पे डबल बॉन्ड O। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वह इस नाइट्रोजन पे जाके अटैक करेगा, क्या आप फील कर पा रहे हो, यह जो नाइट्रोजन है इस पे जाके अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होगा। तो आपके पास जो यहां पर आंसर मिलके आ रहा होगा वो आंसर कुछ आपको इस तरीके से मिलके आ रहा होगा, N और यहां पर आपका पॉजिटिव, यहां पर N नेगेटिव और इस तरीके से N नेगेटिव रहा होगा आपके पास और यहां पर आप लगा दीजिए TS। मैं इसको पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखा। अब ये जो आपने स्टेप बना लिया है अगले स्टेप में, ये जो OET रहा होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो रहा होगा, अब आपने जो ये N नेगेटिव यहाँ पर बना लिया है, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है बहुत ही अच्छे से जो आपने जाना है, इस नेगेटिव से ये जो आपके पास यहाँ पर ET3NH पॉजिटिव था, ये नेगेटिव इस H को भगा ले जाएगा तो आपके पास जो अगला स्ट्रक्चर इसी में बन के आएगा। मैं आपको क्या करता हूँ, इसी में अगला अगर स्ट्रक्चर बना के बताऊं तो अगला स्ट्रक्चर आपके पास कुछ डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये OET रहा होगा और यहाँ पर आपके पास N पॉजिटिव। ये थोड़े खतरनाक तरीके के स्ट्रक्चर रहे होते हैं लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये N H और यहाँ पर TS, ये आपका स्ट्रक्चर आ रहा होता है और फिर जो NHTS है ये एज अ गुड लिविंग बाहर निकल जाता है और अगले स्टेप में फिर क्या आता है, दोबारा से यहाँ से ये बेस आता है 83N, दोबारा से H भगा ले जाता है, ये नेगेटिव आएगा और अब ये जो नेगेटिव है ये यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास जो फॉर्म हो रहा होगा ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड N2 और इस तरीके से डबल बॉन्ड OET। अब तो आप खिलाड़ी लोगों, अब तो आप खतरनाक लोगों, अब तो आप आराम से इस वाले डबल बॉन्ड N2 को हटा के क्या कर दोगे, कार्बिन का आराम से अच्छे से बहुत बढ़िया से फॉर्मेशन कर पा रहे होगे। क्या आप समझ पा रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था फ्रॉम टोसाइल एजाइड। ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन होती है, हार्ड कुछ नहीं है। आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को समझिए और बहुत अच्छे से जानिए। देखिए
ये लेक्चर मुझे पता है अभी तक का सबसे बड़ा लेक्चर बन चुका है, क्योंकि अब मेरे हाथ में भी नहीं था आपको, मैं ये अभी तक सारा का सारा प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन सिखा रहा था, जिसको हम रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा फ्रॉम हेलो फॉर्म्स, और हेलो फॉर्म्स में सबसे पहले हमने उसका जो पॉइंट जाना वो गुड लिविंग ग्रुप पे डिपेंड कर रहा होता है। दूसरा हमने सीखा वहां पर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से। तीसरा हमने वहां पर सीखा फ्रॉम एसिटिक एसिड एंड किटीन से। और चौथा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कार्बीन की पूरी केमिस्ट्री में, डाई एजोमिथेन। सबसे पहले हमने डाई एजोमिथेन के स्ट्रक्चर को जाना, फिर हमने उसको बहुत डिटेल में स्टडी किया, फिर वहां से हमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आया अल्फा कीटो कार्बीन, फिर अल्फा कीटो कार्बीन से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आया वुल्फ रीअरेंजमेंट, और फिर वुल्फ रीअरेंजमेंट से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आया किटीन की रिएक्शंस। तो किटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाती है, यह जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तब एक बार दोबारा और उठा रहा होगा। फिर हमने सीखा फ्रॉम एसिड क्लोराइड, तो वहां पर डाइएजोमिथेन का न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा होता है, तो उससे भी हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा होता है। अब आगे अगर मैं आपसे बात करूं, फिर आपने कुछ बातें जानी फ्रॉम टोसाइल हाइड्रोजन, फिर कुछ मिसलेनियस, तीन बातें थी कब कब हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा होगा, और लास्ट बात जो हमारे पास प्रिपरेशन है फ्रॉम टोसाइल एजाइड। इस तरीके से हमारे पास पूरा प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन रहा होता है। अब यह लेक्चर देखने के बाद मैं आपको एक लास्ट लेक्चर और देने वाला हूं, जहां पे आप रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बिन देखोगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी कार्बिन केमिस्ट्री का। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।